भारत की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान देश के अन्नदाता का है। देश के अन्नदाताओं के लिए मोदी सरकार ने पहले ही दिन से उठाए कृषि सुधार में बड़े कदम। केंद्र ने 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया है। इस अंतरिम बजट में कृषि मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए प्रदान किया गया। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम ने किसानों की खेती को सुरक्षित किया। अब तक कुल 23.58 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को व्यापक फसल बीमा कवरेज प्रदान किया। योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जा चुका है। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को मिला लाभ। 10 लाख रोजगार हुए पैदा। अब तक 1.75 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। खनिज की बात हो या दुग्ध पदार्थों से जुड़े किसानों की बात हो, सरकार हर किसान को देती है सुरक्षा की गारंटी। ऐसे अन्नदाताओं के हक में काम कर रही है मोदी सरकार और साथ ही मोदी की गारंटी।